हमीरपुर में राड कोतवाली पुलिस और एसओजी पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी अपराधी से हुई मुठभेड़। पुलिसिया मुठभेड़ में लुटेरे सोएब के पैर में लगी गोली। वंदे भारत पर हमीरपुर से आ रही है बड़ी खबर। राड कोतवाली पुलिस और एसओजी पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी अपराधी से हुई पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे सोएब के पैर में लगी गोली। आरोपी झांसी जिले के गुरसराय की लूट घटना में चल रहा था फरार। घायल आरोपी को पुलिस ने सीएससी राठ में कराया भर्ती। जिला अस्पताल में किया गया रेफर। मामला राठ कोतवाली के अमगांव तिराहे के पास का। वंदे भारत के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुठभेड़ हुई है सर, क्या है पूरा मामला? आज प्रातः लगभग 4 बजे कोतवाली राठ पुलिस एवं एसओजी हमीरपुर पुलिस संयुक्त रूप से वांछित अपराधियों की तलाश में मामूर थे। तो लगभग 4 बजे अमगांव तिराहे पर एक आदमी आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर उल्टा वापस भागने लगा। जिसको टोका तो उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। जिसने अपना नाम पता सोएब पुत्र सलीम निवासी बजरिया पठानपुरा कस्बा राठ बताया है, जिसके कब्जे से एक तपंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा 72,000 रुपये बरामद हुए हैं। रुपयों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि जो गुरसराय जनपद झांसी में डकैती पड़ी है, उससे संबंधित रुपये यह हैं। गुरसरायगंज से भी इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। मजरूब को तत्काल सीएससी राठ भेजा गया, जहां से हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ कुलपहाड़ में भी गैंगस्टर लूट वगैरह के मुकदमे कायम हैं और डकैती में गुरसरायगंज गुरसराय